और अब बात कांग्रेस की गारंटी यात्रा की करेंगे। कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर ब्रेक, दिवाली उत्सव के चलते कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर ब्रेक लगने को लगा है। अब 14 नवंबर से दूसरी फेज की जो यात्रा है वो शुरू होगी। कल जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने यात्रा का आगाज किया था दिवाली के बाद। अब दूसरे संभागों में कांग्रेस की एक गारंटी यात्रा का आगाज होगा। 7 गारंटियां, 7 संभाग, इन 7 संभागों में कांग्रेस की गारंटी यात्राएं निकाली जाएंगी। अभी फिलहाल कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है क्योंकि दिवाली है और दिवाली के बाद अब दूसरे संभागों में कांग्रेस की गारंटी यात्राएं निकाली जाएंगी। हमारे सहयोगी दिनेश रांगी इस खबर पर जुड़ गए। दिनेश, राजधानी जयपुर में कल कांग्रेस की गारंटी यात्रा निकली, सिलसिलेवार तरीके से 7 संभागों में ये यात्राएं निकाली जाएंगी, लेकिन अभी फिलहाल दिवाली का ब्रेक। तो कांग्रेस पार्टी की 7 गारंटियां और इन 7 गारंटियों को लेकर चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है, लेकिन अभी फिलहाल दिवाली और त्योहार के सीजन में कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा है कांग्रेस की गारंटी यात्रा में। 14 तारीख से एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ये गारंटी यात्राएं जो तमाम संभाग हैं वहां से निकाली जाएंगी। अभी फिलहाल राजधानी जयपुर में जो यात्रा कल निकाली गई थी, बड़े स्तर पर शक्ति प्रदर्शन किया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोती डूंगरी मंदिर में यात्रा का श्री गणेश किया है। यात्राएं और 14 नवंबर से अब ये यात्रा दूसरे फेज की शुरू होगी। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने कल यात्रा का आगाज किया था। अब कांग्रेस की गारंटी यात्रा पर अभी फिलहाल दिवाली पर्व के चलते कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा है। 14 तारीख से जो तमाम दूसरे संभाग हैं उन संभागों में दूसरे फेज की जो यात्रा है गारंटी यात्रा वो अब दोबारा से होगी। कांग्रेस की गारंटी यात्रा की अगर हम बात करें, राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यात्रा का आगाज किया था और कल ये यात्रा राजधानी जयपुर से निकाली गई थी।